पुत्र होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तुम बात को समझो, ये बात क्या होगा। हे स्वामी उधम सिंह बोल रहे हैं, अगर पुत्र नहीं होगा तो मेरी सर को जुदा कर लीजिए। सही बात है, वही मैं चाहता हूँ, वही तुमसे बुलाना था, बुला लिए। मेरा दया धर्म ने मुखन में मुखरा क्या देखा, टूट जाएगा तुमको मैं सूरत के भूल जाऊंगा, तुमको मैं इस समय पुत्र न देगी रदूरा गाप। समय का इंतजार करो, मैं तुम्हारी साथ इंतजार कर रहा हूं। आज अपनी महल के अंदर में बैठी, जय मां दुर्गा जय जगदम्बा। Yeah!
तू मेरी महल के अंदर ले आ। क्या जे तुम कहती हो सब जाति को बसीना मेरे स्वामी दी, जात को डगरी को बसीना नहीं है। जल्दी बोला दे गोतनी सोना मांग आप, जल्दी क्या बना दे गोतनी सोना फुलावती को परसौती की दर्द उखरी है, जल्द से चलिए महल में जाओ। की ओई सोमर बनी तोहर बादी, आज बात क्या है ये चंचल जियारा आज मर गए क्या की साली आई आज महालो मैया।
महारानी के महल से तुम मेरी महल में आए हो। हाँ महारानी, छोटी महारानी फूला की कोख से परसौती की दरा दुख रही है। गोतनी फूला की परसौती की दरा दुख रहे हैं। हाँ। इस समय ठीक है, तुम आगे चलो, मैं पीछे से आ रही हूँ। आज नाद मोहब्बा के अंदर गोतनी फूला की कोक्सी कहूं बालक पैदा हुआ, नाद्र मोहब्बा के अंदर बेटा इंदल को मान प्रधान कमी हो चुकी। इस समय गोतनी फूला की कोक्सी कहूं बालक पैदा लेगा, उस रंडी को मैं बउआ खिलाने नहीं दूंगी। क्या नागिन बान क्या दासा लबा आज
गौतनी गौतनी हाँ मरण वाली, अब मुझे प्राण नहीं बचेगी। किस लिए गौतनी? इसलिए परसौती की दर्द मुझे उखड़ी है। तुम्हारी क्या विचार है? जल्द से डगरिन बुलवाओ, मेरी परसौती की दर्द उखड़ी है। गौतनी, नाग महोबा के अंदर देवर जी सब यात्री को बसा दिए हैं, एक भी डगरिन नाग महोबा के अंदर देवर जी नहीं बसाए हैं। इस समय मैं डगरिन कहां से बुला के लाऊं? हे गौतनी, जिस समय जो बेटा इंदल पैदा लिए, उस समय कहां से डगरिन लाई? जब मेरी कोख से बेटा इंदल पैदा हुआ, सासू बोला मुझे डगरिन बनी थी। ये कैसे होगी? देखो तू अपनी मूरी गोरा तर में धर दो और दोनों पैर चूल्हे में धर दो, तब सहजी बालक पैदा हो जाए। क्या अपनी सर को मैं चूल्हे में रखूं, तब मुझे बालक पैदा लेंगे? ठीक है दयादिन, जो कहेगी मैं करे के लिए तैयार हूं। इस समय गोतने फूला की कोख से सुंदर बालक पैदा ले लिया है। मुझे बेटा को पटीदार नगर मोहब्बा के अंदर जलम गए हैं। इस समय बालक नगर मोहब्बा रह जाएगा,
मुझे बेटा इंदल को मान प्रधान एकदम कमी हो जाएगी। इस समय माँ दुर्गा के पुकार करती हूँ, माँ दुर्गा आएंगी, माँ के कहूंगी माँ इस बालक को ले जाओ कहाँ घोर जंगल की पास, तो अपने खप्पर में भूज के तुम खा जाना। या दौरा दौरा दुर्गा सातो पहनी डमोरी दर्शन दे दो माँ, माँ दुर्गा ना जाने आज अचानक कोई भक्त मुझे पुकार रही है। माँ तुम कहाँ जाकर के बैठी हो, मेरी महल में आओ मुझे दर्शन दो। माँ व्याकुल होकर के ना जाने कोई संकट आ चुकी है, आज दुर्गा को मैं अपनी अंतर ध्यान से देख रही हूँ। ऐसा कौन भक्त है तुझे मुझे बार बार पुकार रही है। क्या बेटी सोना आज अचानक तूने इस दुर्गा को क्यों याद कर ली? क्या तुम्हें कोई संकट आ चुकी है? मैं आ रही हूँ बेटी, अवश्य तुमसे मिलूंगी। ये दुर्गा रमाना को
फूल पलक देख दुनिया की झलक, देख तुम्हारी महल के अंदर कौन आकर खड़ी है। चीनी भरे गंगा की बादल उमर भरी तुम्हारी, आज किस कारण वश तूने दुर्गा को बार बार किया है पुकार। ना जाने तुम्हें कोई संकट आ चुकी है तो आज इतनी व्याकुलता में तू पुकार रही हो। एका तोरे घट गए बेटी आने धन लक्ष्मी, क्या तोरे घट गए मजनिया सला सुनाओ रंगम दुर्गा, आज अचानक बुलाने की कारण क्या है? माँ तुम खुद जानते हो नगर मोहब्बा के अंदर कोई चीज की कमी नहीं है। इस समय तुम मेरी साथ कसम खाएगी तब मैं कह के सुनाऊंगी। बेटी सोना, अरे माँ बेटी ने शब्द का क्या जरूरत होता है, तुम मांगो जो मांगोगी मैं तुम्हें। नहीं माँ, ताले तुम कसम नहीं खाएगी ताले मैं कभी नहीं सुनाऊंगी। क्या मुझे कसम? हाँ माँ, यदि मेरी प्रतिज्ञा करने से तुम्हें तुम्हारी कष्ट दूर हो सकती है तो मैं तुम्हारी साथ अवश्य मैं वचनबद्ध होऊंगी। मैं इस समय कान खोल करके सुनेगी, मैं तुम्हें वचन दे रही हूँ। गंगा किया बीसे सर किया जो ठाकुर जो कूटा
इस समय तुमको कसम खिलाई हूँ, आज गौतमी फुला की कोख से सुंदर बालक पैदा हुआ है नागर मोहब्बा के अंदर। इस समय तू अपनी गोद में ले जाओ घोर जंगल के पास। बेटी सोना, तूने क्या कही कि आज पुत्री फूला की कोख से सुंदर बालक जन्म लिया? हाँ ये तो खुद ऐसी माँ माँ वैसे नहीं, इस बालक को ले जाओ कहाँ घोर जंगल के पास। तू अपनी खप्पर में भूज कर उस बालक को खा जाना। हो जाएगी सोना, जिस प्रकार से तुझे पुत्र प्राप्त हुआ उस समय कोई देवी ना कोई दानव तुम्हारे पुत्र को संहार किया। आज तुम कैसी माँ हो जो तुम दुर्गा को कह रही हो कि अपनी भक्त के दुर्गा रक्षा करते हैं परंतु हत्या भी नहीं करते। माँ तुम मेरी साथ कसम खाई हो, कसम का लंघन नहीं करो। माँ मैं क्या सोचू, मैंने तो अचानक ही इसकी सात वचनबद्ध हो चुकी। क्या ये विधाता ने यही लिखे हैं इसकी भाग्य में, जो अपने ही घर में डाका गाड़ डाल करके आज भक्त की आंचल को सुना करके ये मैं क्या करूं? अवश्य मैं ले जाऊंगी, लाओ सोना मैं ले जाने के लिए तैयार हूं। ठेठा और जेहने बाप तेहने बेटा। रे करमा रे फूट गई रे या भाला रे या सुना करके मैं जा रही हूँ, परंतु मैं इस बालक को कभी हत्या नहीं करूंगा। चोरी तो मैं की हूँ, इसे सुरक्षित स्थान पर
अपनी माया की जाल से इसे पालन करूंगी। साक्षात मैं इस समय जा रही हूँ कहाँ, जहाँ मुनि आश्रम है, क्योंकि मानव के पास साधारण मानव इसे भाग्य में क्या लिख देगा कोई ठीक नहीं, परंतु एक गुरु आश्रम वही है जहाँ सुरक्षित शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, साथ साथ इसका जीवन भी सफल हो सकता है। मैं इस समय गुरु आश्रम में ही जाती हूँ। ये दूर मैयर करती हो क्या, ऐसा कदाचित हो नहीं सकती। मैं जा रही हूं बादी, तुम यहां से कहां जाओ, देवर जी को बंगले के पास देवर जी को कह देना, हे बहुत खुशियाली, हे महल में दबा।